नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। पाकिस्तान में भी नोटबंदी, नहीं चलेंगे 5000 के नोट। पाकिस्तान की सीनेट ने काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से 5000 रुपए के नोट का चलन बंद करने की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को सोमवार को पारित कर दिया। ये प्रस्ताव भारत में नोटबंदी से प्रेरित लग रहा है। एक महीने पहले भारत में भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। सीनेट सदस्य पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता सैफुल्ला खान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे ऊपरी सदन में सांसदों ने बहुमत से पारित किया। डॉन की खबर के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया है कि 5000 रुपए के नोट का चलन बंद करने से बैंक खाते के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और बिना हिसाब किताब वाली अर्थव्यवस्था का आकार घटाने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार 5000 के नोट का चलन बंद करने का काम 3 से 5 साल में होना चाहिए, ताकि बाजार से नोट हटाए जा सके। हालांकि कानून मंत्री जाहिद हमीद ने कहा कि नोट का चलन बंद करने से बाजार में संकट पैदा होगा और लोग विदेशी मुद्राओं का इस्तेमाल करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3.4 खरब नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1 खरब 5000 रुपए के नोट में है। उल्लेखनीय है कि भारत में नोटबंदी के बाद से अरबों रुपए के काले धन का पता लगा है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिजिटल लेनदेन करने पर छोटे व्यापारियों को देना होगा कम कर, अरुण जेटली। तुर्की में रूसी राजदूत की हत्या, केजरीवाल बोले माल्या को देश से भगाने में मोदी का हाथ। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में घुसा ट्रक, 12 लोगों की मौत। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एम्स से मिली छुट्टी।